लखनऊ के विवेक तिवारी हत्याकांड की। जरा सोचिए, जिस पुलिस से किसी भी इंसान को मदद की उम्मीद होती है, जिस पुलिस को देखकर जनता सुरक्षित महसूस करती है, अगर वही पुलिस किसी को बेवजह मौत की नींद सुला दे तो क्या होगा। और फिर आरोपी को बचाने के लिए पुलिस महकमा एकजुट होकर मुहिम चलाने लगे, उसे हीरो बनाने की कवायद शुरू हो जाए तो पीड़ित के दिल पर क्या गुजरेगी। विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना भी इसी दर्द से गुजर रही है और उनकी जुबान पर इस वक्त सिर्फ एक ही बात है कि प्लीज मेरे पति के कातिल को सिंघम मत बनाओ। पहले जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, बड़ी बड़ी मूंछें, आंखों में चश्मा और सिंघम जैसी तस्वीर। लखनऊ में विवेक तिवारी को गोली मारने वाला एक कांस्टेबल खुद को सिंघम से कम नहीं समझता था। लेकिन सवाल इन तस्वीरों का नहीं, सवाल यूपी के उस पुलिस महकमे पर उठ रहे हैं जो आरोपी कांस्टेबल प्रशांत चौधरी को वाकई सिंघम बनाने में जुटे हैं। एक तरफ एक पत्नी अपने पति के मर्डर के बाद पुलिस और प्रशासन से इंसाफ की आस लगाए बैठी है और दूसरी तरफ इसी पुलिस विभाग के लोग आरोपी कांस्टेबल के लिए सोशल मीडिया में कैंपेन चला रहे हैं। शर्म आती है, वाकई शर्म आती है ऐसे पुलिस वालों पर जो एक आरोपी के लिए मुहिम चला रहे हैं, वो भी उसके बेगुनाह साबित होने से पहले। लखनऊ में विवेक तिवारी की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के कई सारे कर्मचारी आरोपी कांस्टेबल प्रशांत चौधरी के साथ लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा सोशल मीडिया पे ये मुहिम चलाई जा रही है कि प्रशांत चौधरी की पत्नी के खाते में पैसे जमा कराए जाएं, जिसके जरिए मुकदमे में उनकी मदद हो सके। जरा ये फेसबुक पोस्ट देखिए, इसमें आरोपी कांस्टेबल प्रशांत चौधरी और उसके साथ मौजूद कांस्टेबल सुरेश राणा को इंसाफ दिलाने की बात कही जा रही है। उसके लिए 5 करोड़ का चंदा जुटाया जा रहा है। एक नहीं, पुलिस महकमे से जुड़े कई लोग आरोपी कांस्टेबल प्रशांत चौधरी की पत्नी का अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर रहे हैं। ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। देखिए, 3 दिन पहले तक ही प्रशांत चौधरी की पत्नी का अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर हो चुकी है। विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना और उनके रिश्तेदार पुलिस वालों की इस मुहिम से बेहद दुखी हैं। उनका कहना है कि आरोपी को समर्थन देने से पहले पुलिस वालों को दिल पर हाथ रखकर सोचना चाहिए कि पीड़ित कौन, कि पीड़ित कौन है। कल्पना के भाई से इंडिया न्यूज रिपोर्टर विजय मिश्रा बात करने पहुंचे तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। विवेक तिवारी की हत्या का आरोपी कांस्टेबल प्रशांत चौधरी के लिए न सिर्फ सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई जा रही है बल्कि इस पूरे फैसले के खिलाफ पुलिस विभाग के कर्मचारियों का एक बड़ा धड़ा छुट्टी पर भी जाने का फैसला कर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के इलाहाबाद राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद ने 6 अक्टूबर को एक मीटिंग भी बुलाई है। पुलिस कर्मियों का एक ग्रुप भले ही विरोध के मूड में हो, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि इस मामले में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और संकेत ये भी है कि आरोपियों को जो भी बचाने की कोशिश करेगा उससे भी सख्ती से निपटा जाएगा। वरुणित गुप्ता, शिव प्रताप सिंह और रवि कुमार के साथ विजय मिश्रा, लखनऊ, इंडिया न्यूज। और लखनऊ